अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ एच एस वन न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 11:30 बजे के वार्ड ऑफिस के सामने कुछ नौजवान वहाँ पर ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे जो लोकल पी एस लगता है आशिफ नगर में पी एस, वहाँ का एक कॉन्स्टेबल है हेरोनाथ, वो वहाँ पर आया और इन लोगों के बच्चों को वहाँ से हटने के लिए कहा, और जब ये बच्चे हट रहे थे तो उसने सख्ती वहाँ इस्तेमाल की और ये बच्चों से गाली गलौज करना शुरू किया, और जो बच्चों ने ये कहा कि आपके बोलने पे जब हम जा रहे हैं तो आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो उस जाहिल ने उस बच्चों पे हमला किया, लाठी से उनको मारा, जिसमें एक बच्चा जो राशिद है उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई और लाठी से हाथों से मारते हुए उसे इंजर्ड किया गया। रात में उनके घर वालों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल से भेज दिया और वहाँ भी ये बताया गया कि उस हड्डी को सीधी करने के लिए उनको ऑपरेशन करना भी पड़ेगा और बड़ी सीवियर इंजरी। वही मसले को लेकर आज सत्य मंदिर के हुकुम पर हम लोग और जाफर से मेरा साहब के बोल को बताते हुए हम लोग यहाँ पर आए और इसी की आसिफ नगर से हमने इसकी नुमाइंदगी की और हमने ये कहा कि जो कंसर्न कॉन्स्टेबल है उसके पास सबसे सख्त एक्शन लेना होगा और उसे इमीडिएट तौर पे हटाना होगा, क्योंकि ये वाक़ा उसका पहला वाक़ा नहीं है। लॉकडाउन में भी एक कपल के ऊपर उसने ऐसी जुल्म किया था और एक आदमी पे उसने हाथ दिखाया था जो राशन लेने बाहर निकले थे, उसके बाद भी एक साबिर नगर में एक डब्बे वालों के ऊपर भी में उसने ऐसी ही जुल्म किया था। ये रिश्वतखोर थोड़े लोग महकमे में आ गए हैं जो लोगों पर जुल्म कर अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब यहाँ फ्रेंडली पुलिस की बात होती है, जब पूरा महकमा इस पॉलिसी पे चल रहा है, तो कुछ लोग इसके ऊपर थप्पा नहीं लगा सकते हैं, और जो लोग जिस पर थप्पा लगा रहे हैं उनको महकमे में नहीं रहना चाहिए। और हम यही दरख्वास्त लेकर हम ACP साहब के आए थे और हमने यही मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको भी इकदाम देना पड़ेगा। और कल उसने इनके बच्चे के ऊपर मारा, लाठी तोड़े और इसकी हड्डी तोड़े बाद से फिर उसने खुद कम जाके कंप्लेन की कि बच्चों ने मुझसे बदतमीजी की। मैंने ACP साहब से कहा ठीक है, उसकी भी कंप्लेन लीजिए और इनके MLC के हिसाब से इनकी भी कंप्लेन लीजिए कि कानून बड़ा वसी है और हमारे मालूम कानून पर एतबार भी है, हम उस बुनियाद पर जाते हुए उनकी नौकरी के ऊपर भी ला सकते हैं हमारा, क्योंकि जुल्म वो नहीं कर सकते। और बस मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानून भी इम्प्लीमेंट करना है तो तरीक़ेकार से करिए, किसी को ये हक़ नहीं है कि लट इस्तेमाल कर सके या हाथ इस्तेमाल कर सके, उस चीज़ का एहतियात करिए और आवाम से पुलिस और माहौल। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम राशिद है। आसिफ नगर PS का पुलिस शीटर हूँ मैं, जो है सोकल काम पे से आ रहा था मैं शाम में। काम पे से आके हमारे भोने साहब थे, भोने साहब को देख के रुके, मिला, बात बात कर लेते, ढहरे हुए थे। इसी का काम करता हूँ मैं, काम कर लेके बात करके ढहरे हुए इन्हों आए, आके लट निकाल के मारना शुरू कर दिए चुपका चुपी। मैं बोल रहा हूँ क्या बात है रुनाथ, आसिफ नगर के जवान है, चुपका चुपीच कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्या बात है साहब, बोलो आप मार रहे कहीं को मेरे को, कहीं की वजह क्या है मेरी, बोलो। चुपका चुपीच मार रहे और मेरा शर्ट पकड़ के खाली खींच रहे, चल 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 PS को बोले, ठीक है चलो PS को बोला, मैं जाएंगे सर PS को चलता हूँ, बोला मेरी गलती कुछ भी नहीं है, काम पे से आ रहा था मैं। PS को मैं जा रहा हूँ, पलटा लेके गाड़ी चले गए वहाँ से, हाथ पे मार के हड्डी तोड़ गई। पहले से हड्डी को पहले से मार ले गया हुआ था, पहले से मैं तकलीफ़ में था, दूर जाके इलाज करा रहा था हाथ का, मेरे अच्छा हो गया था, तकरीबन पूरा रिकवर हो गया था। फिर क्या करे, फिर आगे मारना शुरू करके बेधड़क बात सुन रहे नहीं, क्या बात है सर बोले तो भी नहीं सुन रहे, खाली मार रहे मार रहे। मेरी DCP साहब, सर्कल साहब, ACP साहब, कमिश्नर साहब और DCP साहब, ACP साहब और आसिफ नगर सर्कल साहब से भी मेरी गुजारिश है, अपील है, कुछ भी नहीं है हमारा, खाली ठहरे वे है आके चुपका चुपी चुनो मार दिया। और हालांकि मेरे घर के पास ही ठहरे हुआ हूँ, मेरे घर के बाजू की गली में वहाँ पान शॉप का डब्बा है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे हम, वहाँ डब्बे पे रुक के टाटा ग्लूकोज लेके सिगरेट लेके बस सिगरेट पी रहे थे, बस उतने में चुनो आके मारना शुरू कर दिया। एक साथ मारे मेरे को 20 तो मारे फुल स्पीड में, बात सुन रहे ना साथ वाले उनके, बोल रहे भी नक्को रहे नक्को बोल, तो पूरी रोड की पब्लिक जमा हो गई, पब्लिक आके भी छुड़ा रही, नहीं सुन रहे बात, रॉडी शीटर है बोलता हूँ मैं, अच्छा काम कर लेके अपना जी ले रहा हूँ साहब मैं, चुप मेरे को क्या परेशान कर दे रहे।
मैं किसी से भी नहीं है, मैं मर जाऊँ क्या करूँ बोलो, मेरी कुछ भी गलती नहीं है। रोडी शीट खुल गई बोल तो मैं क्या कर दिया, खतला कर दिया, जान ले लिया किसी की, क्या करा मैं, अच्छा रह ले रहा हूँ चुप मेरे को, मैं काम धंधा नहीं कर सक रहा हूँ, मैं साहब काम धंधा नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे को सुबह से शाम तक ये लगे हुआ है, इधर जाना वो तीन फोटोआँ खिंचाना, ये खाली जहाँ देखो वहाँ पर आ रहे, चुप मेरे साथ ऐसी कर दे रहे, हमेशा हो जा रहा। बस मेरी गुजारिश है आपसे, चुपका चुपीच मारे वहाँ पे, वो दुकाना भी है आके, सीसीटीवी भी पूरा है वहाँ, सब देख सकते गली के लोग हैं, उनके साथ में पुलिस वाले भी थे, उन्होंने बोल रहे नको रहे चल चल बोल, तो भी उनकी भी बात नहीं सुन रहे थे, भीरू ना थे। तो क्या है कि चुप हमेशा करते हैं मेरे साथ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमेशा जब से मेरी शीट खुली, जब से मेरे को पीछे खाली जर्रा गलियाँ बात भी रहा तो कहाँ है रे फ़ोन करके गालियाँ, अम्मा बहन के गाली, बात भी सीधी नहीं करते, बहन गड़े डायरेक्ट आ जाते, बोल रहा हूँ मेरा घर रेंट का है भाई, घर कने नको आओ आप, मैं बोलिए फ़ोन करो मैं आ जाता हूँ, बोले तो डायरेक्ट घर कने आते, तीन बजे अड़े अड़े बजे आ जाते। अब किराए का घर है, ऐसा है उनके दिल में, चुप घस ले रहे मेरे से हमेशा, मेरे से नहीं पूरे जनों से वैसी चाहे उनका, किसी से भी पूछ लो आप, इंक्वायरी कर लो उसके बारे में, उन्हें सबके साथ ये चीज करता बात करने। मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहिए HS1 न्यूज चैनल को, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।